श्री श्री चैतन्य चरितामृतम एप्रिल मास ना ये आने में चल चल लोग जन पावास थे मध्य लीला दाविंश परिचय जो उस तरफ पीछे रखो तो जी वो लाइट का स्विच जानता है थोड़ा पीछे रखो तो जी सनातन शिक्षा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात्विक गुणाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराये उदाय एक साधन भक्ति दुई प्रकार एक वैनी भक्ति रागानुग भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी ये कह रहा है जो साधन भक्ति जो है दो प्रकार ये है वैनी भक्ति और दूसरा है पहले वैदिक भक्ति वर्णन कर रागहीन जान भजे शास्त्र आकाय वैदिक भक्ति बोले तारी सर्वशास्त्र गाय वैदिक भक्ति किसका कहा जाता है जिसको भगवान का प्रति अनुराग नहीं प्रेम नहीं है तो उसको शास्त्रों की जो शासन वाणी है वो सुन करके शास्त्रों अनुसार में जो भगवान को भजन करता है उसको वैद्य होते कहा जाता है जो ना करने से पाप लगेगा उसे डर है डर के मारे करता है वही हो तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान हरि विश्वर सतव कृतितव्य स्मर्तव्य चेच्छया भव हयम इच्छया भव तो बोलते हैं शास्त्र में क्या कहा है हर समय के लिए भगवान का चिंतन करना और भगवान का कथा श्रवण करना और भगवान का कथा कीर्तन करना कोई कर सके तो उसको हर प्रकार भय नष्ट हो जाए आ रहा है समझ में हर प्रकार भय नष्ट हो जाए कोई भगवान का कथा श्रवण करे कीर्तन करे और भगवान का चिंतन कर सके तो ये विधि है और ये सुन करके जो लोग करता है वो लोग का वैदिक भक्ति कहा जाता है स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्य न जातुचि सर्वे विधि निषेधा जितना शास्त्र है
सब मिल करके दो बात समझने के लिए, एक क्या है स्मार्टत्व सतत्व विष्णु, हर समय के लिए विष्णु चिंता है एक कारण है, और जो निषेध है वो क्या है मैं कहूं कोई एक सेकंड के लिए भगवान को मत भूलो, ये निषेध भगवान का भूलना मत और भगवान का चिंतन करना है, ये है शास्त्र का एकमात्र तात्पर्य। तो नवविधा भक्ति जो है, भक्ति 64 अंग भी है, सबका मूल है कि भगवान का चिंतन करना, ये है विधि। और विशेष है, विशेष क्या है कभी मत भूलो, भूलेगा तो जब पकड़े। विधि विविधांग साधन भक्ति बहुत विस्तार संक्षेपे कहिए किसु साधन अंग सार। तो महाप्रभु बोलता है बहुत अंग है साधन भक्ति का, लेकिन हम संक्षेप में कुछ बोलता हूँ कि इतना तो कम से कम करो भाई, बोलो ना कर सकते। गुरु पदाश्राय दीक्षा गुरु सेवान सद्धर्म शिक्षा पिच्छा साधु मार्ग अनुगमन। पहला नंबर क्या है, गुरु जी का चरणाश्रय करना। दूसरा नंबर दीक्षा ले लेना। तीसरा नंबर गुरु जी को सेवा करना। आश्रय मतलब हरि नाम ले लेना। दीक्षा जो दीक्षा का मंत्र हो लेना। तीसरा नंबर गुरु जी का सेवा में मन लगाएगा तो तब कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण तो देर होगा, होगा कि नहीं होगा ठीक नहीं, इसलिए सेवा लिख दिया है। और चौथा है धर्म विषय जानना। जानने के लिए साधु का पास जाकर पूछना, कुछ कुछ करके सीख लेना। और पांच नंबर साधु जी का तथानुगमन, जैसे हमारा सरल गोस्वामी भजन किया उन लोग का जीवनी पढ़ना चाहिए, या नरोत्तम ठाकुर श्रीवास समानंद प्रभु जी, या सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद परम गुरु जी, ये बड़ा बड़ा संत पहले आया है या भजन किया है, तो लोग उसका जीवनी पढ़ के सुन के लोग का अनुसरण करना ही साधु दिगर पद में गमन करना। तो जब परम गुरु जी मठ में आया तो उम्र तो कम है, तो उनका माता जी का अवस्था बहुत खराब खबर है, पिताजी पहले थे, माता जी का खबर आया और ऐसा बोला माता जी एक बार तुम आओ और हम एक बार देखना चाहते हैं मरने का पहले। तो प्रभुपाद ने बोला परम गुरु जी को जाओ माता जी एक बार देखना चाहते हैं। तो परम गुरु जी क्या किया,
थोड़ा दूर में चल गया और बड़ा मठ है ना, दूसरे दिन से दूसरे लाइन में घुस गया। और प्रभुपाद का सामने में आया नहीं, प्रभुपाद बोलेगा तुम गया नहीं। दो चार दिन हो गया, प्रभुपाद किसी का पूछा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, तो आया नाम किया, बोले तुमको जाने के लिए बोला था तुम गया नहीं। बोले गुरु जी मैंने सोचा हमारा तो बहुत खेती जमींदार था, बहुत धन संपत्ति है, तो बड़ा भाई तो वो भी मठवासी हो गया, त्यागी हो गया, छोटा भाई बोला शादी करेगा नहीं, से भी देश का सेवा में लग गया, और हम जाएगा माता जी के पास, और माता जी अभी मरने वाली है तो हमारा हाथ पकड़ेगा और बोलेगा तो विनोद तुम ये सब संभालो, शादी कर लो आगे सब संभालो, नहीं तुम्हारा पिताजी का सब तो नष्ट हो जाएगा, क्या होगा। तो माता जी का बात हम उसमें क्या करें, ना तो नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं जाना सबसे अच्छा है, इसलिए हम गया नहीं। तो ये हमारा गुरुवर्ग है, परम गुरु जी है, क्या शिक्षा दिया वो हम लोग का लक्ष्य करना चाहिए। तो इसलिए बोला है साधु दिगे महाजन जे पते करिया छे गवमन सही पद बरनी, जे पद में महाजन्मन किया है हम लोग का वही पद में चलना पड़ेगा। कृष्ण पिति जन्म निजेर भोग त्याग, कृष्ण सेवा के लिए कृष्ण सुख के लिए कृष्ण को आनंद देने के लिए अपना सोना खाना और पीना इसमें जो भोग है अच्छे अच्छे चीज त्याग करता है, कृष्ण के लिए अपना खाना अपना पीना अपना सोना इसमें हम व्यस्त रहे तो कृष्ण सेवा कैसे करें। इसलिए कृष्ण सेवा के लिए अपना भोग त्याग करना। कृष्ण तीर्थ वास, कृष्ण तीर्थ मतलब कृष्ण जहाँ जहाँ लीला किया वो कृष्ण तीर्थ कर, जैसे गोवर्धन चारी ओर कृष्ण का लीला है, चौराशी पर भोजमंडल कृष्ण का लीला भूमि है, तो ये कृष्ण तीर्थ है, ऐसा कृष्ण तीर्थ में वास। जहां होने से हमारा जीवन यात्रा चल जाए उतना ही शिकार करना, उससे ज्यादा शिकार मत करना। ज्यादा होने से कहां रखेगा क्या करेगा ये सब चिंता करेगा, चल जाएगा बस। एकादशी उपवास करना, असत्य वैष्णव सम्मान ये दोष अंग है, ये भी कर। और 11 नंबर है सेवा अपराध और नाम अपराध के दूरी वर्जन करना, सेवा अपराध और नाम दो प्रकार अपराध, सेवा अपराध 64 प्रकार है, नाम अपराध 10 प्रकार है, ये जानना चाहिए। जान करके नाम करने का समय नाम अपराध छोड़ के करना, और सेवा करने का समय सेवा अपराध छोड़ के करना चाहिए। इसलिए नाम अपराध क्या है जानना चाहिए, और सेवा अपराध क्या है वो जानना चाहिए, उसका किताब मिलता है तो वो अच्छा से पढ़ के, वो अर्चन का किताब में भी है, वो अच्छा से पढ़ के
और सेवा परद ना हो विषय का। मान लो हाँ ठाकुर जी को भोग लगाएगा तो मंदिर में भोग लगेगा, तो थोड़ा पहले क्या किया हम ठाकुर जी का कोई काम करने के लिए जहाँ भोग के थाला रखेगा वहाँ हमारा पेड़ पड़ा था तो उसके ऊपर भोग का थाला रखेगा तो अपराध हो जाए, इसीलिए वो जाएगा भला अच्छे से सफाई करके तब वहाँ भोग का कोई थाला हो खुश हो। ठाकुर जी का आसन बसन सज्जा जो कुछ है किसी में पेड़ लग जाए तो अपराध, ऐसा सावधान में चलना चाहिए पेड़ ना लगे। पुजारी का अपराध ज्यादा होने का संभव, क्यों उसको तो ठाकुर को लेकर चलना पड़ता है, तो वो ठाकुर को कोई सेवा में और ज्यादा गर्मी ठाकुर जी को भोग में देना ठीक नहीं है। ज्यादा गर्मी देने से कोई कोई जगह में ठाकुर जी का हाथ पड़ गया है, तो इसलिए ज्यादा गर्मी देना माना है, तुम ज्यादा गर्मी नहीं खा सकते ठाकुर कह सकते। ऐसे ऐसा अपराध क्या क्या होता है सब जानना चाहिए, जान करके अभी ठाकुर जी का मंत्र पढ़ के ध्यान करना पड़ता है बीच बीच में उसका नियम, तब मंत्र पढ़ के ध्यान करना लाग दिया, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान ना आकर ठाकुर जी का जो माया का खेल है खेल का कोई ध्यान आ, मंत्र तो ठाकुर जी का कर रहा है मंदिर में बैठा है पुजारी है सब प्रणाम करता है पुजारी बोल करके, लेकिन मन में क्या ध्यान करता है दूसरे कुछ ध्यान करता ही जरूरत है, तो इसमें भी अपराध हो जाता है, इसलिए अपराध से सावधान रहना चाहिए। बहु शिष्य बहु शिष्य ना करा बहु शिष्य ना करीब, बहु शिष्य करना माना है शिष्य करो कोई बात नहीं थोड़ा शिष्य करना, बहु शिष्य करेगा तो गुरु और शिष्य का जोगाजोग नहीं रहेगा, तो शिष्य क्या कर रहा है गुरु का पता नहीं है और गुरु कहाँ है शिष्य का पता नहीं है। कोई कोई शिष्य है, एक बार एक शिष्य बहुत हरिणाम कर रहा है तिलक सुंदर है, मैंने पूछा तुम कहाँ का शिष्य है, बोला गौड़ी तुम्हारा गुरु जी का नाम क्या है महाराज बोलो भाई गुरु जी का नाम याद नहीं है, बोले गुरु जी कहाँ रहता है मठ में तो रहता है, अरे मठ में तो रहता है मठ तो बहुत है भाई है बंगाल में ना यूपी में ना उड़ीसा में ना आसाम में ना दक्षिण भारत में कहाँ रहता है ना इंडिया का बाहर महाराज हम तो गृहस्थ लोग है हाँ हाँ गुरु जी त्यागी है और बहुत मठ है कौन मठ में रहता है क्या करता है हम कैसे जाने का बात है। अच्छा तो इसलिए ज्यादा शिष्य मत करो, ओ गुरु का शिष्य भी गुरु का कुछ नहीं जानता है गुरु भी शिष्य का है पता नहीं है हाँ इसलिए लिख दिया महाप्रभु बहु शिष्य ना करेगा जितना शिष्य अपना कंट्रोल में रख सके उतना ही करो।
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস কবু না করিবা। বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস মারল বাজারে গিয়া, নেই মায়াপুর গিয়া, না বৃন্দাবন গিয়া, বহুত আচ্ছা আচ্ছা কিতাব দেখা, হ্যাঁ ইসকা দাম কেতনা হ্যাঁ ইসকা দাম কেতনা হ্যাঁ, তো বলা সব তো ভাই থোড়া কম মিলেগা, বলে জাদা লেগা তো কম মিলেগা, তো জাদা লে লিয়া 10-15 গ্রন্থ লে লিয়া, আয়া আমি আহ গ্রন্থ তো বড় আচ্ছা দেখ নে কেন পেপার দিয়ে আচ্ছা দিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি, ও আচ্ছা লেখা আচ্ছা, ও আদমা শব্দ বাহ হরি বল হিন্দু সে গুরুত্ব তো এসা ইসকা বলতে হয় কলাভ্যাস, মতলব গ্রন্থ কা এক দু শব্দ পড়তা হ্যাঁ পুরা গ্রন্থ আচ্ছা সে পড়তা নেই তো উসকো কোই লাভ নেই হ্যাঁ কুছ জান নেই পায়ে। इसलिए शास्त्र में निषेध किया वो शिष्य मत करना, बहु ग्रंथ लेकर एक जगह रख कर पढ़ेगा नहीं और उसका विषय कुछ उपलब्धि नहीं होगा तो बेकार हो जाए। অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিব, বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যা বিজীব, হানি লাভে সম শোকাদির বস না হইব, অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব, বিষ্ণু বৈষ্ণবের নিন্দা গ্রাম কথা না কহিব, প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব। তো বহু গ্রন্থ থোড়া থোড়া মত পড়ো পুরা পড়বে, আর হানি হানি মতলব লোকসান, ওর লাভ যাব হানি হয়ে যায় বড় দুঃখ, আর লাভ হয়ে যায় তো নাচনে লাগতা কি, বলে লাভ হোগা তো নাচো মত, হানি হোগা তো দুঃখ মরত, কুছ খোয়া যায় তো দুঃখ মত কর না, আর জাদা লাভ হয়ে যায় তো মত নাচ, শান্ত রয়েছে শোকাদির বস হোনা মানা। এই জগত মে বহু লোক বহু শোক মে কবি কবি স্টোক হয়ে যাতে হয়, কবি রুপিয়া কা শোক মে, কবি কবি মর গিয়া উসকা শোক মে, কই প্রকার সে হতা, বলি এই জগৎ মে এসা ক্যা চিজ হ্যায় জিসকে লিয়ে শোক করেগা, এসা কোই চিজ হ্যায় এই জগৎ মে, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके लिए हम शोक करें, क्यों ये सब भविष्य है, सब परिवर्तनशील है, सब नष्ट होने वाला है, कुछ हमारा संग में नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्यों शोक करे, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है कि जगत का कोई चीज के लिए शोक मत करना, शोक करेगा तो उसमें हरिनाम तो नहीं होगा, इसलिए संपद आ जाए और विपद आ जाए कोई चिंता नहीं, मुंह में ऐसा ही करते रहो, मन में भगवान का चिंतन करो और मुंह में হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম, বাস ঝামেলা মিটে যায়। অন্য দেবতা বা শাস্ত্রের অবজ্ঞা করা না করা, ওই শাস্ত্র পর নিন্দা মত করো, আর ওই দেবতা কা নিন্দা করো, দেবতারা আপনা আপনা অধিকার মে যে যে লোক কা খান দিয়ে ভগবান পড় রে, তুম কি ও লোক কা পিছে পড়েগা, কিছু কা পিছে মত পড়ো, পিছে পড়না তো বৈষ্ণব ওর বিষ্ণু কা পিছে।
विष्णु और वैष्णवर निंदा सुनना भी माना है, करना तो निषेध है, पहले बोल अभी बोलता है सुनो, जहां विष्णु निंदा होगा वहां मत जाओ, जहां वैष्णव का निंदा करेगा वहां मत जाओ। और ग्राम्य वार्ता स्त्री पुरुषेर इंद्रिय तर्पणमूलक कथाबार्ता सुना माना है, सुनना माना ये जगत का जो वार्ता है, ये ग्राम्य वार्ता कहा जाता है। और स्त्री पुरुष जो नंद में जो आलाप करते हैं वो भी सुनना माना है, सुनने से उसे ही रुचि हो जाएगा। इसलिए भगवान का कथा और भगवान का नाम छोड़ करके, भगवान का सेवा छोड़ करके दुष्ट तरफ जाना आना माना है। क्यों? हमारा टाइम तो बहुत कम है, तो जितना टाइम है भगवान का सेवा में लगाओ। प्राणी मात्रेर मने उद्वेग ना जन्माय ए शेष दश निषेध लक्षण अंग व्यतिरिक भावे अनुष्ठान को तो बोलते, किसी का दुख ना हो जाए। हम जो काम करें, जो मुंह से जो निकाले हमारा, किसी का कष्ट ना हो, हमारा पता सुनकर कि किसी का दुख आ जाए तो अच्छा नहीं है। तो किसी का पीछे हम पड़ जाए और उसका दुख आ जाए, ऐसा करना ना। किसी का दुख मत दो और किसी का प्रति अभिनिवेश मत हो, अपना भजन साधन करो। बड़ा बड़ा अनुष्ठान मत करो, बहुत बड़ा अनुष्ठान करेगा, बड़ा नाम हो जाए, ये करना निषेध। क्यों? हरिनाम नहीं होगा, जितना दिन बड़ा अनुष्ठान करने के पीछे पड़ेगा ना, हरिनाम थोड़ी होगा, हरिनाम में झोला कहाँ है पता नहीं रहेगा। बोले गुरु जी बोला क्या हुआ, हमारा हरिनाम में झोला कोई ले गया। क्या करो गुरु जी? तो इसलिए बड़ा बड़ा कुछ होगा तो हरिनाम तो क्या है, अपना नाम भी भूल जाएगा। गुरु जी तो है, गुरु जी को मांगने से मिल जाएगा। तो इसलिए बड़ा अनुष्ठान मत करो, जितना संभाल सकता है उतना ही करो। ये महाप्रभु बोल रहा है, गुरु का गुरु जगत गुरु बोल रहा है जी। ভক্তির অসম্মিত সিন্ধুতে এই গ্রন্থ লিখিত গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে, এই অঙ্গ পূর্বোক্ত দশটি অঙ্গের মধ্যে ধৃত হইয়াছে। হরিভক্তি ভক্তির অসম্মিত সিন্ধু পড়নে সে এসব ব্যাখ্যা উহা আচ্ছা কালকে কিয়া, ইহা তো সংক্ষেপ নয়, ই বল রায় না। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास्य सुख आत्म निवेदन, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का कथा कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन करना भगवान को, वंदना मतलब स्तुति ये भी करना चाहिए, परिचर्या मतलब सेवा, और हम भगवान का दास है ये भाव, भगवान हमारा प्रिय बंधु है ये भाव, और सब भगवान का चरण में देकर तो तुम्हार जिनिस तुम्हार दिए तुम्हार हो ये रोई। ये शरीर भगवान का है, मन भी भगवान का है,
जो कुछ हम मेरा मेरा करता है, मेरा तो कुछ नहीं है, सब भगवान का है, और भगवान का चरण में डाल दो। इसका नाम है आत्मसमर्पण। अग्रनित्र गीत विज्ञप्ति दंड वदनती अभ्युत्थान अनुप्रजा तीर्थ गिये गति। तो भगवान का अग्रनित्र करना, भगवान बड़ा खुश होता है। जितना दिन ताकत रहेगा शरीर में बल, उतना दिन नाचो अच्छे से, बहुत प्रेम से नाचना पड़ेगा। जितना सुंदर नाच सकते हैं, नाचने से भगवान खुश होता है। और नाचने का साथ साथ कीर्तन भी करना पड़ेगा। कीर्तन करते रहो और नाचते रहो। और स्मरण भगवान का, मधुरम 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 वचनम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम बलितम मधुरम हर्षितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। प्रभु जी का जो चरण से शीर तक सब मधुर से मधुर है। तो वो चिंतन करना भगवान का रूप, पूजा भगवान का पूजा करना। पूजा का नाम है, हमारा यहाँ अभी बोलता है अर्चन, इसका नाम है पूजा। और परिचर्या, परिचर्या रहना बहना बाजार करना, जो कुछ करना ठाकुर जी के लिए सब परिचर्या हो जाए। हाथ जोड़ करना दास स्वभाव, विज्ञप्ति विज्ञप्ति हाथ जोड़ करके अर्चन का बात लिखा है वो सब सुनो, मंतस्त करना पड़ेगा। मसम नास्ती कृपा पद्मा ना पियोर ना पोरादि न कश्चन कोरिहारे उपी लज्जा मेकिंगो वे पुरुषोत्तम युवती नंग यथा जुनुजुनं च युवती यथा मनोभिरमति तदात्मनमीरमतं तयाभं स्खलित पादानां भूमिरिव अवलम्बनां तैजताय अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु गोविन्द वल्लभं राधे पार्थयितमं सदा त्वमेव मिति जानातु गोविन्दमां तया सहो राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निज पादब्जे दर्शन मैं प्रदीयता। ऐसा तीन है, हम तो एक बोला, तो ये चैतन्य अर्चन का किताब भी है। ऐसा ऐसा जो दैनो भाव से हाथ जुड़ करके भगवान का पास क्षमा भिक्षा करता है, इसको विज्ञप्ति कहा जाता है। बहुत है ऐसा ही शास्त्र में मिलता है, तो ऐसा करना चाहिए, तब ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। और दंडवाद मती, दंड का भी सीधा होकर सो जाओ ठाकुर के सामने में, इसका दंडवाद बोलता है। उसका साथ तीन चीज लगाने से दंडवाद होता है, एक से नहीं होता है। सोना, चिंतन करना और बढ़ना, तीन होने से दंडवाद होता है। सो गया, हाथ जोड़ लिया और मन में मुंह में बोलना पड़ेगा, तो महाप्रभु के लिए सुआ तो नमो महाबदन्नाय। और महाबदन्न बोलने का साथ साथ चिंतन करना चाहिए, महाप्रभु इतना जो ब्रह्मा शिव या विष्णु दे नहीं सकता है, वो हमारा चैतन्य महाप्रभु दिया, इसलिए महाप्रभु बड़ा बदन है, महाबदन। ऐसा महाप्रभु का चिंतन करना और महाप्रभु का प्रणाम मंत्र मुंह में उच्चारण करना और शो के प्रणाम करने से ये पूरा दंडवध माना जाता है। तीन में एक कम हो जाए तो दंडवध नहीं होगा, तीन का एक कम हो गया।
नंड भंड हो जाएगा, इसलिए दंडवत करना तो तीन चाहिए। तो यहाँ दंडवत लिखा है अपुरुत्थान। अपुरुत्थान मतलब जो ठाकुर जैसा नवद्वीप धाम परिक्रमा रहे, तो एक पालकी में महाप्रभु को लेकर परिक्रमा में घूमता है। तो जो महाप्रभु जाता है, महाप्रभु का पीछे पीछे जाए, और जब महाप्रभु आता है जल्दी जाकर प्रणाम करके ले आना, प्रार्थना करके, ये अपुरुत्थान होता है। गुरु वैष्णव का भी ऐसा ही करना चाहिए। जब गुरु वैष्णव कहीं जा रहा है, श्रेष्ठ वैष्णव या गुरु जी, उसका पीछे पीछे जितना जा सकता है जाना चाहिए। जब आता है खबर मिलेगा तो जितना दूर जा सकता है जाकर उसको ले आना पड़ेगा। इसका नाम है अपुरुत्थान। ये गुरु जी का लिए करना चाहिए, वैष्णव के लिए भी, और ठाकुर जी। तीर्थ गृह गोती मतलब कोई तीर्थ स्थान में वास करके ठाकुर जी को नाम कीर्तन सेवा करना। तीर्थ में थोड़ा अच्छे है, क्यों कोई अच्छे बदमाश लोग हो वो तीर्थ में आने से तो फिर सब लोग तो राधे राधे करते हुए क्या करेगा। देश में तो कभी राधे ना बोलता नहीं जीवन में, तो आ गया वृंदावन में तो सब लोग, तो एक रिश्का वाला का बोला ए सुनो, वो बोलता है राधे राधे, बोले बाबा यहाँ रिश्का वाला भी राधे राधे बोलता है। तो बोलता है राधे राधे कहाँ जाएगा, तो दो चार बार सुनते सुनते वो क्या करेगा, हाँ राधे राधे इमली तला जाएगा, अच्छा अच्छा राधे राधे आइए आइए। तो बार बार राधे राधे सुनते सुनते उसका मुंह में भी राधे राधे निकल जाएगा। ये तीर्थ में वास करता है, तो इसलिए यहाँ बोला है। और मान लो हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया, तो हम सो गया और शरीर इतना दुर्बल हो गया तो खुद नाम नहीं कर सकता, लेकिन कान तो है सुन सकता। तो धाम में क्या होता है, कोई ना कोई जगह में कीर्तन कीर्तन होते रहते हैं, वो हम सो सो करके सुन पाते, जो धाम नहीं है वहाँ नहीं होता। इसलिए धाम में वास करने से लाभ होता है। तीसरा है परिक्रमा, धाम परिक्रमा। यहाँ गोवर्धन है, गोवर्धन परिक्रमा, पंचकोशी वृंदावन परिक्रमा, कभी कभी वार्षणा में परिक्रमा करता है लोग, हाँ तो ब्रजमंडल में बहुत जगह परिक्रमा है, मथुरा में परिक्रमा होता है, और 84 कोश परिक्रमा होता है लंबा चौड़ा, उसमें जो लोग पैदल करता है वो लोग का तो बहुत दिन लग जाता है, और गाड़ी माड़ी में करने से तो हमारा दामोदर महीना में तो एक महीना लगा देता है, और पैदल पैदल घूमने से सबसे अच्छा है है परिक्रमा। और मंदिर रोज मंदिर तो परिक्रमा करना ही पड़ता है, जब पेड़ दिया है भगवान कम से कम तो परिक्रमा तो लगा हुआ है। स्तव पाठ करना पड़ेगा, बहुत सुंदर सुंदर स्तव है। तो हम लोग का कार्तिक मास में सब पढ़ते हैं, नमामि नंद नंदना, नमामि नंद नंदना, नमामि नंद नंदना, नमामि नंद नंदना, सुचारु भक्त मंडलम, सुसारु निराधन कुंडलम, नमामि नंदना, नमामि नंदना, नमामि
तो कृष्ण का ऐसा पुस्तक करना और राधा जी का भी करना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण कुछ नहीं होगा। कृष्ण नाम गाने भाई श्री राधा चरण पाए, राधा नाम गाने भाई श्री कृष्ण चरण पाए। तो राधा नाम गान करे तो कृष्ण मिल जाए, कृष्ण गान करे तो राधा मिल जाए, इसलिए दोनों का करना पड़ेगा, दोनों मिलेगा। तो कुमकुम आगत कांचनाम जगर्वहारि गौरवा पीत नाम चिताब्ज गंध कीर्ति निधि सौरवा वल्लभेश सुनु सर्ववांछितार्थ साधिका निज मान पाद परम वास वासुदाधिका। तो महाप्रभु क्या सोचेगा, भाई कलिकाल में हम तो अवतार हुआ हाँ, और हम तो हरिनाम प्रचार किया, हम सब सिखाया, हमारा नहीं कर रहे। तो हमारा गौरहरि का साथ गदाधर भी रहता है, तो बोले गौर गदाधर दोनों का एक साथ कर तो जल्दी हो जाएगा, हमारा तो कली में टाइम कम है। लंकन गौर कली बराबन सदा महा प्रेम विलास काब्बन समुद्र तीरे नट नागराब्बन नमोस्तु मे गौर गदाधराब्बन नमोस्तु मे गौर गदाधराब्बन नमोस्तु मे गौर गदाधराब्बन। ऐसे ऐसे सब स्तुति है, वृंदा देवी को लेकर हम लोग हर समय रहता है। तो वृंदा देवी के स्तुति है, बड़ा आशा है, बोले क्या आशा है, बोले सबसे कौन सा लीला कृष्ण का अच्छा, बोले रास लीला अच्छा। अच्छा तो रास देखना चाहता है भाई, शिव जी तो कितना विपत्ति पड़ा था, तुम्हारा इच्छा होता है तो जाओ वृंदा देवी का शरण में। रासाभिलाष वसतिष्ठ वृंदा वने तदिगांसि सरज सेवा लवश्य पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। बोलो श्री वृंदा देवी की जय। तो बोला भाई सब किया, अरे क्वचित पवनी गंगा उसका भी करना चाहिए। हाँ तो क्या करा जाए, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी शंकर मौली निवासिनी विमले मम मथिरा स्थान गंगा मैया की जय। तो ऐसा सब स्तुति करना पड़ेगा, यहाँ लिखा है महाप्रभु, और करेगा तो महाप्रभु बड़ा खुश होगा। महाप्रभु के खुश के लिए करना चाहिए। इसका बाद बोला क्या है, जॉब करना चाहिए, और दिन जॉब करना चाहिए। हमारा षडवर्षमी भी करके दिखाया, क्या देखा, शंखा पूर्व नाम गान नति विकाल शनिकृत निद्रा विजित चतंत। तो माला करते करते निद्रा छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, माला जपते रहते, इसलिए जप को संपत्ति कहा गया। जो जितना जप करेगा उसका उतना संपत्ति बढ़ जाएगा। इसका बाद दिया संकीर्तन, बहु मिलिता जा कीर्तन सैव संकीर्तन। तो सब मिल करके कीर्तन करने से इसका संकीर्तन कहा जाता है। तो हम जब आया था ये मठ में इस बार, बहुत आदमी कम था, तो शाम को थोड़ा हो रहा है, अभी धीरे धीरे लोग बढ़ गए तो शाम को कीर्तन भी जम रहा है। लेकिन गौड़ीय मठ का नियम है सुबह और शाम को गोबर कीर्तन करना,
कुछ गाना है उसमें लिखा है ये सुबह का गाना है और ये शाम का गाना है, तो इसलिए सुबह कीर्तन चल कर देखो अच्छा है। कभी कभी एक प्रभु आता है थोड़ा थोड़ा करता है और उससे दो तीन जोग हो जाए तो अच्छा है, तो इसलिए सुबह भी कीर्तन चले और शाम को चले तो अच्छा है, तो बात होना चाहिए। तो संकीर्तन बहु मिलिता जा कीर्तन सर्व संकीर्तन, कम से कम तीन आदमी होना चाहिए तब तो संकीर्तन होगा। एक आदमी होने से कीर्तन, दो आदमी होने से तो दो कीर्तन हो जाए, तीन आदमी होने के संकीर्तन और ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो स्तव स्तुति जाप कीर्तन हो गया। अभी महाप्रभु बोल रहा है धूप माल्य गंध महाप्रसाद भोजन, हम लोग जैसा दीप का हाथ में ऐसा एक बार लेता है, धूप का हाथ में भी ऐसा ही लेना नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है धूप, धूप का सेन ग्रहण करना और माल्य ठाकुर जी का प्रसादी माला वो गले पहनना बड़ा भाग्य की बात है। कोई कोई शास्त्र में लिखा है जो विष्णु तत्व है, कोई ठाकुर हो विष्णु दश अवतार में कोई हो, नहीं नारायण हो राम हो कृष्ण हो महाप्रभु हो, वो लोग का गल में जो माला देता है वो माला प्रसादी हो जाता है। उसके बाद वो माला कोई पी दे तो उसका सात जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तो हमारा लोग का तो करोड़ करोड़ जन्म हुआ, बहुत पाप जमा है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते पढ़ते करो, हर जन्म का सात बार सात जन्म का पाप तो एक बार खाए हो जाता है। ऐसा करते करते सब पाप खाए हो जाए तो नाम शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए माला पढ़ना चाहिए गले में और महाप्रसाद भोजन खूब खाओ, आकुंठ भोजन हाँ अच्छा करके प्रसाद सेवा करो। लेकिन पहले जो सब बोला है वही करेगा नहीं, केवल प्रसाद सेवा में रुचि करेगा तब तो नहीं चलेगा भाई। पहले जो सब बोला है वो भी करना चाहिए और प्रसाद सेवा तो करना ही चाहिए। आरती महोत्सव शिवमूर्ति दर्शन, जब आरती होता है आरती का समय भगवान का सामान में आना, आरती कीर्तन करना और ठाकुर जी का आरती दर्शन करना। और जो जन्माष्टमी रामनवमी एंटन जो झूलन पुरन है ये सब उत्सव करना पर्व पर्वों में। निज प्रिय दान ध्यान तदेव तो तदियो सेवन, जो चीज अपना अच्छा लगता है वो ठाकुर जी को देना चाहिए, खाने का हुआ और पढ़ने का हुआ। और तोदीय सेवन, तोदीय मतलब भक्त, भक्त का सेवा करना चाहिए। तोदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत यही चारि सेवा है कृष्ण रवि मत, ये चार तो करना ही चाहिए कि कृष्ण का मत बोलता है। क्या क्या चीज है? तुलसी का सेवा, तुलसी में पानी दो और हर दिन तुलसी का आरती करो, वो अपना स्पेशल अपना के मंगल के लिए करो। तो तुलसी सेवन, सेवन भी अच्छा है, मतलब तुलसी वहाँ कोई घास हो जाए उठा दो, हर दिन पानी दो, अच्छे से जाते रहे परिचर जाते, तो नवविधा सेवा है कृष्ण। तुलसी रोपण, तुलसी पानी डालना,
तुलसी धूप दीप देना, तुलसी को स्पर्श करना, तुलसी का मंजरी होने से काटने से वो भी सेवा है, और तुलसी का परिक्रमा, तुलसी का स्तुति करना और पानी डालना, ऐसा ग्यारह सेवा लेखा है। हर दिन तो ग्यारह नहीं कर सकेगा, लेकिन पानी देना और आरती करना और परिक्रमा करना ये तो हर दिन कर सकते। तुलसी और वैष्णव सेवा भी हर दिन करने के लिए बोला है। और मथुरा धाम में वास, मथुरा मतलब पूरा ब्रज मंडल में कहाँ रहो, कोई धाम में रहो, मतलब धाम वास होना चाहिए। और भागवत हर दिन सुनना चाहिए, मतलब भगवान का कथा हर दिन सुनना चाहिए। ये चारि सेवा हर कृष्ण रोहित, कृष्ण का मत है ये चार प्रकार करना। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का मत भी यही है। तो इसलिए हम लोग का ये तो सब सुजोग मिल गया, ये चार करना हम लोग का। तो ये देखो कोई संसारी लोग है उसको ये चार करना मुश्किल, क्यों संसार देखना, कोई ऑफिस कर रहा है तो ऑफिस जाना, सुबह उठ कर जल्दी जल्दी ऑफिस दूर हो तो और मुश्किल है, जल्दी उठना पड़ेगा, नाना धाना करना, खाना पीना और तो ऑफिस जाना, बोले ये चार कहाँ से कर गए। लेकिन हम लोग का कितना सुविधा हो गया, हमारा इच्छा हुआ नहीं है चार करना पड़ेगा मन में रहने से। कुल ही परिक्रमा तो सब लोग जब करता है, हमें यहाँ खड़ा रहेगा तो सब तो हम खुद को देखेगा, बोले महाराज का क्या हो गया परिक्रमा नहीं कर रहा है, नहीं तो बोलेगा आ जाओ जब परिक्रमा कर लो। तो परिक्रमा हम लोग का करना ही पड़ता है। और वैष्णव से बातें यहाँ होता ही है, तो कोई काम में जो नहीं पड़ेगा, हाय रोशनी कर दो, नहीं आनंद कर दो, नहीं तो एजुकेशन कर दो, कुछ करो तो सेवा में आ जाए। और धामवास तो हो रहा ही है, और भागवत तो सुनने ही पड़ेगा, नहीं सुनने से तो लोग पूछे तू कहाँ था, दो दिन नहीं देखेगा तो बोलेगा तुम मन में किस लिए रहता है। तो यहाँ चाप से सुनना पड़ेगा, रुचि हुआ ना, इसलिए मठ में साधु शब्दों में वास करने से हाँ हमारा इच्छा हुआ ना हो करना पड़ेगा। तो इसलिए साधु संग मठ में रहना मंगल जनक है। बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री नवद्वीप धाम की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।